हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे स्टूडेंट स्टाइल में बटर नान, और ना अवन ना तंदूर लोहे के तवे पर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बटर नान, और आपको ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता होगा घर पर बनाना। फ्रेंड्स, आप कुछ बातों को फॉलो करोगे तो आपकी भी बटर नान बिल्कुल बेस्ट स्टूडेंट स्टाइल में बनेंगी। हमने 2 कप मैदा ले लिया है, और ये ग्राम में है 300 ग्राम मैदा। ये अच्छी तरह से हमने देख लिया है कि इसमें कीड़े वगैरह ना हो, ऐसे छान कर हमने लिया है। ये हम एक इस तरह से होल करेंगे। आधी चम्मच नमक, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये नॉर्मल वाली चम्मच है, ये घर पर हम जो यूज करते हैं। 1.5 चम्मच चीनी इसमें हम डालेंगे। 4 चम्मच अच्छा घी ऐड करेंगे। आप फ्रेंड इसमें घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अगर फ्रेंड्स आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। 1/4 हमको लेनी है बेकिंग सोडा, तो आप इसकी मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ले सकते हैं। 1 कप दही, अगर आपका दही खट्टा है तो आप आधा कप दही भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इससे हमारा पता चल जाएगा कि हमको इसमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। का हमको एक सॉफ्ट डो बनाना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बटर नान, और ये सभी की पसंद होती है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा डो भी तैयार हो गया है, और ये सॉफ्ट है, ये देखिए इस तरह का ही हमें अपना डो चाहिए। वह हम एक छोटा सा काम और करेंगे कि आप इसमें सभी तरफ घी लगा दें। घी लगाना है हमको। को इस थैली में देंगे, और ये आप थैली कोई सी भी ले सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको रखेंगे, और गर्म जगह में हमें रखना है। फिर हमको ढककर रखना है, उसके बाद में हमको ये देखना है। हम अपने डो को भी चेक कर लेते हैं, और इसमें से हम निकाल लेंगे हमारा डो कितना फूल गया है, खमीर बन गया है। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा हाथ से मलेंगे, इसके 2 भाग कर लेंगे, और बाकी को हम ढक देंगे। इस तरह से हम इसमें से अब अपनी लोइयां बनाएंगे। जितने हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमको ज़्यादा लोई लेनी है। इस तरह से हमने इस साइज की अपनी लोइयां बना ली हैं। इस तरह से हमने अपनी लोई बना ली है। एक लोई लेंगे, और इसमें हम मैदे में लगाएंगे। आप चकला या स्लिप पर भी इसको बेल सकते हैं। इसको बेलेंगे, ओवल सेम में भी बेल सकते हैं, और गोल सेम में भी इसको बेल सकते हैं। मगर लोगों की पसंद होती है कि हमको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी रोटी की सेप अच्छी लगती है, तो इसलिए यहाँ पर मैं ओवल सेम में इसको बेल रही हूँ। बेल लेंगे। चलते हैं अपनी गैस की तरफ। ले लिया है एक लोहे का तवा। आप नॉन स्टिक के तवे पे ही बना सकते हैं, मगर लोहे के तवे पे हमारी अच्छी तरह से रोटी चिपक जाएगी और अच्छी तरह से सिकेगी। और इसको हम गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। अरे रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसमें कलौजी ऐड करेंगे, थोड़ी सी धनिया करेंगे। तो हम हल्के हाथ से इस तरह से बेलेंगे, ताकि हमारी ये निकले नहीं। इसको हम पलट देंगे कि इसमें हमको अब लगाना है पानी। आप चम्मच की हेल्प से भी यहाँ पर पानी लगा सकते हैं, और हाथ से भी पानी लगा सकते हैं, और पानी लगाना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम हाथ पे उठाएंगे, से तवे पे डालेंगे, और हमारा तवा भी होना चाहिए गरम। नान रोटी में बबल्स भी पड़ने लगे हैं ऊपर, इससे पता चल रहा है कि हमारी नीचे से भी रोटी
पक रही है अच्छी तरह से। इसको हम इस तरह से उल्टा करके और इस तरह से हम गैस के फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमको इसको सेकेंगे। अब गैस बन गई है तंदूर, इस तरह से हम घुमा घुमा कर अपनी रोटी को सेक लेंगे। तंदूर जैसी ही हीट आ रही है और वाओ कितनी अच्छी रोटी हमारी सिककर तैयार हुई है। देखिए फैन, मैं दिखाती हूँ कितनी अच्छी सिकी हुई है। तो इस पे हम लगा देंगे फ्रेंड्स अब बटर। आप यहाँ पर घी का भी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमारी तंदूर की रोटी तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम फ्रेंड्स दूसरी अपनी रोटी को तैयार करते हैं। एक इलोई लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी मैदा लगाएंगे, इसी तरह से बेल लेंगे। तो इस पे भी हम थोड़ा सा धनिया रखेंगे, इससे और हमारी तंदूरी रोटी का रोल को बढ़ जाता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लगती है। और इस पर इस तरह से हम करेंगे और इसको भी हम पलट देंगे। इसमें हम पानी लगाएंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ पानी लगा देना है। तई पर अब डालेंगे, हमको रोटी ना ज़्यादा मोटी रखनी है ना ज़्यादा पतली, इस तरह की रोटी हमको बनानी है। इसमें भी कितने अच्छे बबल्स आने लगे हैं और ये भी अच्छी तरह से नीचे से हमारी सिक रही है। इसको भी हम इसी तरह से हमारी दूसरी रोटी भी अच्छी तरह से सिक चुकी है। और ये देखिए पीछे से भी कितना अच्छा कलर आया है इसका। और फ्रेंड नान में लाजवाबी लगता है मक्खन, तो क्या घी भी ला सकते हैं। ये देखिए हमारी दूसरी रोटी भी बन के तैयार है। नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं, मगर ये फ्रेंड्स नीचे से ये चिपकेंगी नहीं और उछल जाएंगी, तो हमको ये नीचे ही गैस पर ही सेकनी पड़ेंगी। इससे आप लोहे के तवे पर ही इसको बनाएं, ना हमारा तंदूर और ना ओवन, और बिना तंदूर और बिना ओवन के ही रोटी बन के तैयार हैं गर्मा गर्म। तो आप फ्रेंड्स इनको मटर पनीर और उड़द की दाल और किसी भी सब्जी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये काफ़ी टेस्टी बनी है। ये देखिए मैं इसको मुलायम करके दिखाती हूँ और सीखी भी है कितनी अच्छी है। ये देखिए बिल्कुल ना रेस्टोरेंट स्टाइल में, और ये काफ़ी मुलायम भी हैं। ये देखिए आप अच्छी सीखी हुई है। तो आप भी फ्रेंड इनको घर पर ज़रूर फॉलो करें। मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ। कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी नान की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।